तो देखिए आज के टॉपिक में हम लोग लाए हैं एक एक सेक्शन, वो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा एक रेडमी 8A का ब्लॉक डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है जो आपके सामने मैं ओपन करके रखा हूँ। तो इस टॉपिक पे बा इस डायग्राम पे जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम लोग करेंगे डिस्प्ले सेक्शन। रेडमी 8A का डिस्प्ले सेक्शन के बारे में हम लोग एक स्कीमेटिक के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम स्कीमेटिक के थ्रू डायग्राम को रीड करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, मैं आप लोगों को ऑलवेज बोलते आ रहा हूँ, क्लास में दिखाते आ रहा हूँ कि कैसे इसको डायग्राम को समझना है, एक कोड को निकालना है। तो आप ये देख सकते हैं, एक ये मदरबोर्ड का टॉप बॉटम है और ये बॉटम साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो कोई आईसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया गया है, जस्ट यहाँ पे एक कोडिंग के बारे में समझाया गया है। ये जैसे आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोड देख सकते हो, इस कोड के थ्रू कैसे हम लोग एक सेक्शन को निकालते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं हर ऑलवेज ये क्लास में बताते रहता हूँ। फिलहाल मैं ये आज के टॉपिक में यही, मैं डायरेक्टली मैं जाऊंगा एक सेक्शन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारे हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम बा स्कीमेटिक डायग्राम बोल सकते हैं एक तरह का, मैं ओपन करके रखा हूँ रेडमी नोट 8 का 8A का। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे सबसे पहला बात LCD बोल करके, LCD, ओके। अब जैसे मारूंगा मैं LCD इंटर, तो आप देखिए LCD जहां जहां लिखा रहेगा हर एक जगह वो LCD लिखा लिखा हर एक जगह वो हाईलाइट होते रहेगा। पर हमको मेन टॉपिक में जाना है, उस सेक्शन को देख करके समझना है कि यही हमारा एक LCD का सेक्शन है, बा डिस्प्ले का सेक्शन है। आप देख सकते हो मैं जहां जहां मार रहा हूँ वहां वहां हाईलाइट होते जा रहा है। तो इसके थ्रू तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके जा रहा हूँ। तो ये शायद हमारा आया डिस्प्ले का डायग्राम, यस ये डिस्प्ले सेक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैक लाइट, LCD बैक लाइट, ओके। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा ग्राफिक्स लाइन है, ये तो हमको पता ही है। और ये हमारा LCM कनेक्टर है जिसको हम LCD कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं ऑलवेज ये चीज, ये कितने पिन का है, ये 42 पिन का व 44 पिन का शायद ये कनेक्टर है, 44 पिन का ही कनेक्टर। ये 44 पिन का कनेक्टर है, ये 41, 42, 43 और 44, यस ये 44 पिन का कनेक्टर है। तो हमको पता है कि देखिए हम लोग ऑलवेज कभी भी डिस्प्ले सेक्शन स्टार्ट करते हैं बा जरूरी है, तो हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, कभी भी रिपेयरिंग बा कुछ भी करते हैं पहला हम लोग को सच सोचेंगे। तो हम लोग को एक बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर बाय एग्जाम्पल डिस्प्ले कनेक्टर से हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, हम लोगों को सप्लाई तो पता ही है कि क्या क्या सप्लाई हमको इस सेक्शन में मिलेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 40 नंबर पिन और 38 नंबर पिन पर VSN और VSP का सप्लाई बन रहा है, VSN और VSP का सप्लाई बन रहा है। ये तो आपको पता ही है कि VSP और VSN होता क्या है। और आप देख सकते हो 37 नंबर पिन पे दो सप्लाई बन रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे VIO के नाम से, यहाँ पे 1V8 के नाम से भी देखा जा रहा है, जिसको हम VIO के नाम से भी जानते हैं, VDD1 के भी नाम से जानते हैं। अलग अलग आप कोड कुछ भी दे सकते हो, ये एक सप्लाई बन रहा है, एक ही सप्लाई है, ये दो जगह अलग अलग यहाँ पे ये दिया जा रहा है, बस दो जगह से यहाँ पे एक ही जगह में इनपुट किया गया है जो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं LCD LDO 1.8 वोल्टेज और V रेगुलेटर L6 1.8 वोल्टेज, यहाँ पे दो जगह से अलग अलग सप्लाई दिया जा रहा है। अब ये दो जगह से सप्लाई दिया क्या जा रहा है, तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए ये सप्लाई यहीं से बन रहा है 18 नंबर पेज से,
यहीं पर ही बस लिमिट है, और ये जो रेगुलेटर सप्लाई है एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहीं पर ही लिमिट है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस को एनसी किया गया है। पर ये जो वी रेगुलेटर सप्लाई है, ये देख सकते हैं आप पेज नंबर इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट पेज पर पे ये सप्लाई जा रहा है, जो एक तरह का वीआईओ सप्लाई बोल सकते हैं इसको, पेज नंबर 6, 9, 15, 19, 21, 23 और 23 नंबर पेज पे ये सप्लाई जा रहा है। ठीक है, तो ये सप्लाई के बारे में तो हम लोगों ने जाना है, समझा है और देख भी रहे हैं ये सप्लाई होता क्या है। पर इसके अलावा भी कुछ सप्लाई की और भी दरकार जो इस सेक्शन में इस आईडी में यहाँ पे दिया गया है, बैकलाइट के रिलेटेड, एलईडी के रिलेटेड, यहाँ पे रीसेट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीडी अंडरस्कोर CABC। देखिए CABC सप्लाई क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलवेज क्लास में बोलता हूँ, ये CABC एक तरह का PWM बाय एक तरह का EN सप्लाई है, जिसको EN से भी हम लोग नाम से जानते हैं बट PWM के भी नाम से जानते हैं। PWM और EN अलग अलग, कभी कभी अलग अलग भी रहते हैं, नहीं तो कभी कभी एक साथ भी ये दिखा गया है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कनेक्टर के बारे में हम लोगों ने देखा और थोड़ा सा समझा। अब आते हैं थोड़ा आईसी के तरफ, हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि कनेक्टर में तो और भी कुछ दिया गया है। तो ये तो जो मेन मेन सप्लाई है, मैं सप्लाई के बारे में यहाँ पे बता दिया हूँ, और उसके बाद जो आते हैं थोड़ा आईसी के बाद, तो आईसी हम लोग देखते हैं, आईसी है क्या, आईसी शायद नीचे में होगा। ये बैकलाइट आईसी, तो ये आईसी को देख सकते हैं आप कि इस आईसी पे ये हमारा आईसी है, ये एक बीजे टाइप का आईसी है, जैसे यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं LM3697 इस आईसी का कोड है, U1800 नाम से जाना जा रहा है। ये कितने पिन की आईसी है भाई, कौन बताएगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ A1 A2 A3 ओके, B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 एंड D3, मतलब ये 12 पिन का आईसी है, ये 12 पिन का आईसी है ना। तो अब ये देखिए 12 पिन का तो आईसी हम लोगों ने ये समझ लिया, ये एक तरह का BJT 12 पिन का आईसी है जो LM3697 के नाम से हम लोग देख रहे हैं, LM3796 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये VPSB पावर सप्लाई इनपुट हुआ है, VPSB पावर सप्लाई कितना होता है हमको पता है, 4.2 वोल्टेज है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होकर के आया है, और यहाँ पे दो कैपेसिटर होकर के पिन नंबर आईसी के B3 में इनपुट हुआ है। ओके, इनपुट हुआ है। अब ये देखिए इनपुट तो हुआ है, पर यहाँ पे देखिए D3 से स्विचिंग होकर के आउटपुट हो रहा है, पर आउटपुट तो हो रहा है, पर इनपुट और आउटपुट पे पाथ में देखिए अब यहाँ पे एक बूस्ट कैपेसिटर लगा, एक बूस्ट कॉइल लगाया गया है। ठीक, ये बूस्ट कॉइल का काम तो आपको पता ही है, जो L1800 के नाम से देखा जा रहा है। ये बूस्ट कॉइल का काम क्या है, बूस्ट कॉइल नाम से ही समझ में आ रहा है इसका वर्किंग क्या है। और यहाँ से आउटपुट होकर के डायरेक्ट यहाँ पे एक कॉइल डायोड यूज करके, रेक्टिफायर डायोड यूज करके यहाँ पे यहाँ से आउटपुट किया गया है। आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो जो एलईडी का यहाँ पे एलसीडी BEL एलईडी A के नाम से आया, जो ये कनेक्टर के पास जा रहे डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे 2-3 फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं D2 में एक तरह से यहाँ OBP के नाम से बताया गया है। OBP एक तरह का ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन है। इस आईसी का दो काम है, देखिए अब मैं जैसे एग्जांपल यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे OBP दिया गया है। OBP का फुल फॉर्म को पता है कि ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, पर यहाँ पर देखिए ये दो तरीका से वर्क कर रहा है, एक ये यहाँ से फीडबैक का काम कर रहा है और एक OBP का भी काम कर रहा है।
तो ओबीपी का तो काम भी कर रहा है, प्लस ये फीडबैक का, जो यहाँ से आ रहा है ये डीयू टू में एक फीडबैक की, फीडबैक के बदौलत यहाँ पे एक फीडबैक आ रहा है। अब भाई फीडबैक तो आ रहा है, पर ये नॉर्मल सप्लाई, देखिए जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट कर किया बीपीएस बी पावर सप्लाई बंद करके, बैट से बीपीएस बी पावर सप्लाई में कन्वर्ट होकर के डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट सप्लाई आया है। फिलहाल यहाँ पे मैंने कोई अभी स्विचिंग भी नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है, डायरेक्टली यहाँ सप्लाई दिया गया है, जो यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल यहाँ पे 4.2 वोल्टेज के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आप देखिए, ये तो सप्लाई का कनेक्शन दिया गया है, पर ये सप्लाई का दो कनेक्शन है, ये तो पॉजिटिव सप्लाई है। देखिए यहाँ पे एलईडी ए लिखा हुआ है, ए मींस एनोड, आप यहाँ पे देख सकते हो एलईडी ए, ए मींस एनोड, जहां डिस्प्ले कनेक्टर में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर से यहाँ पे दो सप्लाई बंद करके आ रहा है। अब ये क्या सप्लाई है भाई, 18 नंबर पेज से, तो 18 नंबर पेज में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एलईडी के वन एल बी, एलईडी के टू एल बी, एक तरह का ये निगेटिव सप्लाई है, जो हम लोग डिस्प्ले में जो हमारा जो सीरीज में जो एलईडी कनेक्शन किया हुआ रहता है, बाय एलसीडी कनेक्शन किया हुआ रहता है, उस आईसी का निगेटिव, सॉरी उस डिस्प्ले का निगेटिव इस आईसी से दिया गया है, जो बी वन एंड सी वन से दिया गया है, बी वन एंड सी वन से दिया गया है। ठीक है, ये आईसी का तो निगेटिव इस तरह यहां से दिया गया है, समझे क्या? तो ये पिन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखिए ये C2 और C3 ग्राउंड किया गया है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल में स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बोला था, देखिए A1 में, यहाँ पर A1 में PWM लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे बोला था PWM बोल सकते हैं, बा CABC बोल सकते हैं, बा EN सप्लाई भी बोल सकते हैं, आप यहाँ पे इसको तीन सप्लाई दिया बोल सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए यहाँ पे